जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे व्हाट इज हाईएस्ट वर्क एथिक्स, क्या है हाईएस्ट वर्क एथिक्स, इस पे बात करेंगे। क्या 24 घंटे काम करने का नाम हाईएस्ट वर्क एथिक्स है? नहीं। क्या कामयाबी जो है एक 24 घंटे काम करने वाले बंदे के लिए है? ऐसा भी नहीं है। क्या कामयाबी एक ऐसे बंदे के लिए है जो के दिन रात किताबी कीड़ा बना हुआ है, अपने प्रोफेशन में जुटा हुआ है, वो कामयाब हो जाएगा? क्या एक अमीर बंदा कामयाब हो सकता है? क्या एक गरीब बंदा कामयाब नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। इसके लिए डिसिप्लिन हैं। व्हाट आर दैट डिसिप्लिन्स फॉर द सक्सेस, तो इसी पे हम बात करने लगे हैं। आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने कामयाब होना है, आप सुबह की एक्सरसाइज शुरू करें, वॉक शुरू कर दें, सुबह की सैर के लिए निकल जाएं। आप कहेंगे नहीं यार, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी इजी, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी हमें, ये तो बहुत आसान है, हम समझते हैं कि मुश्किल काम करने से कामयाबी मिलेगी। ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए हैंड रेज करके कि कितने लोग हैं आप में से, आप 60-70 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप में से कितने लोग सुबह एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं? हैंड रेज प्लीज। जी, तो ओनली 3-4 स्टूडेंट्स जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह सैर के लिए निकल रहे हैं। देखने में तो ये बहुत ईजी लगता है कि हम सुबह उठेंगे, जॉगर्स पहनेंगे, निकल जाएंगे एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज करके घर में वापस आ जाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी ईजी है। याद रखिए, जिस काम को आप ईजी समझते हैं आप वो नहीं करते, आप जिस काम को भी ईजी लेना शुरू करेंगे आप वो कभी भी नहीं करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम में जब 10 दिन की छुट्टी आ जाए पेपर में तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, एक लफ्ज़ तक नहीं पढ़ते। हम नहीं पढ़ते थे भाई, यार 10 दिन है, कर लूँगा मैं, कर लूँगा, एट द लास्ट नाइट किताबें लेके बैठ जाओ यार, करो, लेकिन उस तरह से भी तैयारी नहीं हो पाती है, स्लो एंड स्टडी रहना पड़ता है। आप देखिए, आपको मैं एक टारगेट देता हूँ आज, मैं कहूँगा आप सक्सेसफुल होंगे, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना भी तो कामयाबी की ही एक कड़ी है ना, तो सेहतमंद ज़िंदगी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे के साथ अगर सेहतमंद ज़िंदगी भी ना हो तो उस पैसे को क्या करेंगे आप? बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स अमीर तरीन शख्स है दुनिया का, सुपर पावर आप उसे कह लें, ज़मीन की सुपर पावर वो है, वैसे तो एक खुदा है। तो उसके मुंह में बनने वाला सलाइवा स्टॉप हो चुका है, देयर इज नो सलाइवा इनसाइड द माउथ ऑफ बिल गेट्स। वो बोल नहीं सकता, वो 5 मिनट के लिए बोल नहीं सकता है, उसका मुंह खुशक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, उसको चुप रहना पड़ता है। एक यूनान का बादशाह था ना, यूनान के बादशाह की जी जो आंख की पुतली थी वो बंद नहीं होती थी, तो वो आंख की पुतली को बंद इसका इलाज करवाने के लिए कि जब वो मैं सो जाऊं तो ये बंद हो जाए, वो सोते हुए भी खुली रहती थी आंखें उसकी। उसने बहुत दौड़ की, आगे पीछे पैसा पैसा कर दिया उसने डॉक्टरों को कि यार मेरा इलाज करो, लेकिन ऑल द डॉक्टर वाज फेल्ड। मैंने पहले ही कहा सुपर पावर एक ही है ऊपर, तो उसने क्या उसके पैसे ने उसे कामयाबी दे दी? वो तरसता रहा, वो रोता रहा कि यार मुझे ये चीज़ मेरी ठीक हो जाए। इसीलिए मैं आज स्टूडेंट्स आपको पहले नंबर पे ये टारगेट दे रहा हूँ, हाईएस्ट वर्क एथिक्स में पहले नंबर पे आप हाईएस्ट वर्क एथिक्स अपने जिस्म के ऊपर करना शुरू करें, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करना शुरू करें। आप अपनी बॉडी के साथ कितने सिंसियर हैं, कितने मुखलिस हैं, तो देखिए अगर आप जब अपने साथ मुखलिस हो जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलते चलते आप कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। देखिए, एक क्रिकेट टीम में जब 300 रन चेज करना होता है तो एक प्लेयर को, ओपनिंग प्लेयर जो होता है उसे ये कह दिया जाएगा तुमने 300 रन करके आना है, दूसरे ने भी 300 रन करके आना है, भाई 150 तुम कर लेना, क्या वो कर पाएंगे? नो, नेवर, वो प्रेशर में आ जाएंगे। उनको सिर्फ उनके हिस्से का काम दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि एक ओवर में तुमने 5 करना है, एक ओवर में तुमने 10 करना है, इतना ही सोचना पड़ता है। अगर आगे सोचेंगे, फ्यूचर की सोचना शुरू करेंगे तो आप अपना प्रेजेंट खराब कर बैठेंगे। याद रखिए, आपका प्रेजेंट खराब हो जाएगा भाई, कल के लिए, कल पता नहीं जीना है या नहीं जीना, तो कल के लिए अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रहे हो?
आप स्टूडेंट्स, आपके लिए सेकंड एडवाइस ये है, अपने जिस्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट और हाईएस्ट वर्क एथिक्स करने के बाद दूसरा पॉइंट आपके लिए आज ये है कि आप क्या कीजिए, आप अपने एनुअल स्केड्यूल को मंथली स्केड्यूल में कन्वर्ट कीजिए। भाई ये सारा सिलेबस मैंने करना है, आप नहीं कर पाएंगे। आपने मंथ में क्या करना है आप वो कीजिए, आप फिर मंथली स्केड्यूल को, स्टडी स्केड्यूल को वीकली स्टडी स्केड्यूल में ले आइए, उसको फिर दोबारा पर डे स्टडी स्केड्यूल में कन्वर्ट कर दीजिए आसानी के साथ। रोज़ का रोज़ काम कीजिए, रोज़ का रोज़ काम करते चले जाएंगे तो सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम में नंबर भी आ जाएंगे। अभी देखिए एग्ज़ाम में नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। पंजाब कॉलेज ज़फ़रवाल की मैं एग्जाम्पल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नारवाल के अंदर पंजाब कॉलेज ज़फ़रवाल है, उर्दू डिपार्टमेंट के अंदर एक उर्दू के सब्जेक्ट में बच्चे ने 96 नंबर लेके आउट ऑफ 100 96% नंबर लेके ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम बोर्ड्स का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। तो ये मुश्किल नहीं है, उसने भी तो ये नहीं सोचा होगा मैंने 96 नंबर लेने हैं, रिकॉर्ड तोड़ना है। उसने उर्दू का भी रोज़ का रोज़ काम किया होगा, उसने उर्दू को भी इजी नहीं समझा होगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जिस चीज़ को आप इजी लेना शुरू कर देते हैं वो आप नहीं करते, आप चीज़ों को ज़्यादा इजी भी ना लें। मिस्टर पिकासो थे ना, वो वर्ड ऑर्डर के पेंटर थे मिस्टर पिकासो, वो गली में से गुजर रहे थे तो सर वो उनको लेडी मिल गई, एक उधर से एक औरत गुजर रही थी तो उसने कहा ओ मिस्टर पिकासो कम हियर प्लीज़ लिसन टू मी आई एम बिग फैन ऑफ यू प्लीज़ गिव मी सम गिफ्ट्स आई एम फैन ऑफ यू मुझे गिफ्ट दे के जाओ। वो गोरे अंग्रेज हैं वो गिफ्ट मांग लेते हैं, हम तो हैं जी हम अपने जिसके फ़ैन होते हैं उसके लिए गिफ्ट लेके खुद पहुँच जाते हैं। तो मिस्टर पिकासो ने फिर एक पेंटिंग बना के दी 30 सेकंड की, कितने सेकंड की स्टूडेंट्स, 30 सेकंड की पेंटिंग उस लेडी को दी। तो उसने कहा व्हाट आई विल डू इट, मेरे तो किसी काम की नहीं है ये। तो फिर जब वो उधर से चली गई तो फिर बाद में उसको कुछ वक्त गुजरने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये पेंटिंग तो $1 million की है, उसकी वर्थ, उसकी जो वर्थ थी $1 million की, और बनाई कितनी देर में, 30 सेकंड में। तो क्या आप 30 सेकंड में इतनी वर्थ का कोई भी काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड में नहीं। तो मिस्टर पिकासो के साथ जब दोबारा उसका सामना हुआ लेडी का एक आर्ट गैलरी इनॉग्रेशन के अंदर, उसने कहा मिस्टर पिकासो योर पेंटिंग वॉज $1 million। तो उसने कहा आई नो बट आई हैव सर्व 30 years फॉर दिस, नॉट ओनली 30 seconds, आई हैव पास्ट, आई हैव स्पेंड फॉर दैट 30 years। आप भी अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारें, यू विल बी सक्सेसफुल, यू कैन डू इट। आप भी एक अच्छे वर्ल्ड ऑर्डर के पेंटर होंगे, आप भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए 30 सेकेंड की वर्थ बनाने के लिए 30 years उसने स्पेंड किए, काम किया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे ऐसे चढ़ते चले जाएंगे अपनी कामयाबी की तरफ। अनदर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, तो एक जो एथलीट थे माइकल फिंच गालबन, तो माइकल फिंच के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड था 7 गोल्ड मेडल्स का, 7 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हुए थे। तो उनका उनका जब रिकॉर्ड तोड़ा ना माइकल क्लार्क ने, माइकल फिलिप्स उनका नाम था, तो माइकल फिलिप्स ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, 7 की बजाय उन्होंने 8 गोल्ड मेडल उन्हें विन कर लिए। तो लोगों ने शाबाश, वाओ, क्लैपिंग, मुबारक, कंग्रेचुलेशंस देना शुरू कर दी। मार्क फिलिप्स यू आर वेरी लकीस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, उसने कहा नो ऐसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो बी लकीस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ऑल्सो चीज, यू कैन ऑल्सो विन 10 गोल्ड मेडल्स, 30 गोल्ड मेडल्स। उसने कहा कि देखिए मैं एक स्विमर हूँ तो मैं रोज़ाना कितने घंटे पानी में रहता हूँ, 10 घंटे रोज़ पानी में रहता हूँ, एक मंथ में कितने बने, फिर एक साल में कितने बने, गालबन 14,000 घंटे पानी में मैं रहा 4 सालों के अंदर, क्योंकि एथलेटिक्स जो होती हैं ये 4 साल बाद ही शुरू होती हैं। 14,000-15,000 घंटे आप भी पानी में रहें, आप भी ये कर सकते हैं, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें स्टेप बाय स्टेप रोज़ का रोज़ काम करने की आदत अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। लेकिन मैं बात कर रहा था व्हाट आर हाईएस्ट वर्क एथिक्स, जिस के ऊपर हम बात कर रहे थे वो ये पॉइंट था।
तो हम अपनी रोज़ की प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी अपनी मेन प्रोफेशन के अंदर अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ले आते हैं जी मेरी फलां बरादरी में ये प्रॉब्लम हो गई है भाई नलका पानी नहीं दे रहा था मैं इसलिए कॉलेज नहीं आ जी इस्त्री सूट नहीं जो प्रेस नहीं हुए थे लाइट चली गई है भाई अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी स्टडी की प्रॉब्लम्स के साथ मिक्स ना कीजिए इन प्रॉब्लम्स को घर छोड़ दीजिए इन प्रॉब्लम्स को अपने सर के ऊपर सवार ना कीजिए देन आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल वन डे दैट्स ऑल थैंक यू